ठीक जोगिंग के व्यायाम कर लें। ये पहला व्यायाम हुआ लंबे लंबे श्वासों के साथ, फिर ये दूसरा व्यायाम हुआ ऐसे। फिर ये तीसरा व्यायाम हो गया घुटना छाती से लगे ऐसे आराम आराम से। जो छोटे बच्चे हैं छोटी बेटियां हैं वो तेजी से कर सकती हैं ऐसे, और भी फास्ट कर सकते हैं ऐसे ऐसे, और जो बड़े उम्र वाले हुआ ऐसे ऐसे कर। फिर ये चौथा व्यायाम हो गया ऐसे सीधे सीधे ऐसे बैठे उठे। फिर ये पांचवा अभ्यास ऐसे, इतना तो सभी कर लेते हैं, और जिनमें सामर्थ्य अधिक वो पूरे बैठ जाएं पूरे उठ जाएं। जिससे जितना बन पाए। फिर ये छठा अभ्यास हो गया ऐसे, और अब सातवां अभ्यास। ऐसे बारह अभ्यास हैं योगी 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 के बारह अभ्यास कर ले, सूर्य नमस्कार के बारह अभ्यास कर ले तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ बनता है, सुंदर बनता है, बलवान बनता है, बॉडी शेप में आती है। हमारे ट्राइसेप बाइसेप सारे मसल्स पूरा शरीर स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक बन दिव्य बनता है। सात के बाद ही आठवां अभ्यास है आराम आराम से साइड में झुकना, ऊपर वाले हाथ के अथेली नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ पहले घुटने के फिर टखने के पास है। ऐसे एक एक अभ्यास को 10, 20, 25, 50, 100, 100 बार तक कर सकते हैं तो पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। फिर ऐसे ये जनरल एक्सरसाइज योगिक एक्सरसाइज, कोणासन लंबे लंबे श्वास, ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने की और नीचे वाला हाथ पैर के पास, ऐसे लंबे लंबे श्वास के साथ। ऐसे 10, 20, 25, 50 बार कर लें। फिर पादहस्तासन अंगूठी से लेकर के थोड़ी तक, पीछे एड़ी से लेकर के चोटी तक, आगे पीछे की सारी मांसपेशियों को पूरे शरीर को साधने के लिए।
पहले धीरे धीरे फिर तेजी से ऐसे। ये दसवां अभ्यास पाद हस्तासन, फिर ग्यारहवां बारहवां अभ्यास, पहले धीरे धीरे कर ले ऐसे जिसका जैसा सामर्थ्य हो, जो बड़े बुजुर्ग हों वैसे आराम आराम से कर ले ऐसे। और जो पूरे जवान हो ऊर्जावान हो तो ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि घर में खुला वातावरण हो तो पार्क में कर लेना, नहीं तो पड़ोस के किसी पार्क में कर लेना। घर में पतंजलि गाय का घी का दिया जला करके, या अपने घर में यदि गाय हो तो अपने घर में मक्खन से घी बना करके घी का दिया जलाए, तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जला करके, सबसे अच्छा होता है गाय के घी का दिया। उससे फिर आपकी जो ऊर्जा है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। वैसे तो प्रतिदिन यज्ञ करने का विधान है, योग और यज्ञ हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग रहे, लेकिन वक्त के साथ ये परंपराएं स्थिर होती गई, इसलिए मैंने कहा ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलवैश्य देव यज्ञ, पूरा जीवन यज्ञ में हुआ करता था। वो परंपराएं थोड़ी शिथिल हुई हैं, वापस योगमय यज्ञमय आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व हम बनाए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। एक एक अभ्यास को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सके उतना कर।